है आपका समाचार एक्सप्रेस में, मैं आपके साथ नेहा वर्मा। गुरमीत राम रहीम की पैरोल पर एक तरफ खुशी की लहर तो दूसरी तरफ उठे सवाल। 48 घंटे की पैरोल मिलने के बाद 12 घंटे बाद ही भेजा जेल। 48 घंटे की पैरोल मिलने पर डेरा प्रेमियों में खुशी की लहर। मां से मिलने सुनारिया जेल से गुरुग्राम पहुंचे गुरमीत राम रहीम। सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम को 48 घंटे की कस्टडी पैरोल मिल गई। रोहतक के सुनारिया जेल में दुष्कर्म और पत्रकार की हत्या के दोष में जेल की सजा काट रहे सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को शुक्रवार सुबह 48 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली है। 48 घंटे की पैरोल मिलने के बाद गुरमीत राम रहीम को 12 घंटे बाद ही जेल में वापस भेज दिया गया। मगर प्राथमिक सूचना है कि सुरक्षा कारणों के चलते गुरुग्राम में अपनी मां से मुलाकात करने के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। बता दें कि पैरोल मिलने के बाद सुनारिया जेल से शुक्रवार सुबह 6:15 बजे गुरमीत को पैरोल से बाहर निकाला गया था। राम रहीम बीमार मां से मिलने के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में पहुंचे थे। वहीं सुरक्षा व अनुयायियों की भीड़ जमा ना हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कयास यह भी लगाए जा रहे थे कि राम रहीम सिरसा जा सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सका। गौरतलब है कि हाल ही में गुरमीत राम रहीम को रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया था, जहां उनका 3 दिन तक इलाज करवाया जाना था, मगर सुरक्षा कारणों के चलते उन्हें महज 21 घंटे बाद ही सुनारिया जेल में भेज दिया गया। यह घटना करीब 1 सप्ताह पहले की है। वहीं उनकी जांच के दौरान पाया गया कि उन्हें कोई गंभीर दिक्कत भी नहीं है। उनकी जांच के लिए 7 डॉक्टरों का पैनल गठित किया गया था, मगर पीजीआई के बाहर समर्थक जुटना शुरू हो गए थे। इसके कारण राम रहीम को वापस सुनारिया जेल भेजना पड़ा। इसके 2 दिन बाद ही राम रहीम ने मां की तबीयत खराब होने का हवाला देकर पैरोल मांगी थी। पैरोल देने को लेकर पुलिस और सरकार दोनों ही असमंजस की स्थिति में थे, मगर शुक्रवार को उन्हें 48 घंटे की पैरोल दे दी गई। राम रहीम इससे पहले डेरे के नाम कई पत्र भी लिख चुके थे, जिसमें कोरोना से बचाव को लेकर हिदायतें भी दी गई थी। तो साथ ही यह भी लिखा था कि प्रभु ने चाहा तो आप सब से जल्द ही मुलाकात होगी। और 1 महीने पहले लिखे गए इस पत्र के बाद राम रहीम को पैरोल भी मिल गई। राम रहीम को पैरोल मिलने के बाद डेरा प्रेमियों ने खुशी जताई है। वहीं पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने राम रहीम को इमरजेंसी पैरोल देने का विरोध किया है। अंशुल ने कहा कि दोषी राम रहीम को पैरोल देना निंदनीय है। सरकार की मिली भगत से यह खेल खेला गया है। कभी 24 घंटे और कभी 48 घंटे की कस्टडी पैरोल देकर ट्रैक तैयार किया जा रहा है, ताकि राम रहीम को आगे पैरोल पर सिरसा लाया जा सके। ये जो 24 अक्टूबर को एक 24 घंटे का कस्टोडियल पैरोल दिया गया, उसके बाद 48 घंटे की कस्टडी पैरोल, और ये मुझे लगता है कि ये आने वाले समय के लिए एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को धीरे धीरे सिरसा लाने का एक ट्रैक तैयार किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में ये कह के पैरोल मांगी जा सके कि हमारा जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है जो 24 अक्टूबर का और जो आज का जो 48 घंटे का पैरोल है, उसके आधार पे एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाकर आने वाले समय के लिए पैरोल मांगी जाए। इसको लेकर क्या आप कोर्ट में याचिका डालेंगे, हाई कोर्ट में इसका विरोध करेंगे? बिल्कुल, हम लगातार इसका पुरजोर विरोध करते भी रहे हैं, आने वाले समय में भी करेंगे, क्योंकि अभी तो आप देख रहे हैं कि कोरोना काल के चलते जो अदालती कामकाज जो है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है। अदालतों के अंदर कामकाज जो है, रूटीन वर्क जो है, वो नहीं चल रहा है। तो ये एक डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को भी ये एक माकूल वक्त लगा, ऐसे समय को चुना गया जब अदालतों के अंदर ज़्यादा इस तरह का वर्क जो है वो नहीं हो पा रहा, जिस वजह से इन्होंने ऐसे वक्त को चुना, ताकि हम उनका विरोधी कोई जो है वो अदालत की शरण में ना जा सके। ठीक है, थैंक यू सर। देखिए, ये ना तो बेल इसे नहीं कह सकते, ये एक जेल अथॉरिटीज़ जो हैं वो किसी भी कैदी को, प्रिजनर को, उसके फैमिली के अंदर किसी ऐसी घटना, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, तो उस मामले में कुछ ऐसे जो खूंखार कैदी होते हैं उनके लिए कस्टोडियल पैरोल, कस्टडी के अंदर ही उसको लेके जाया जाएगा, इस तरह का कुछ प्रावधान होता है। जो पिछली बार 24 अक्टूबर को 24 घंटे की पैरोल दी गई थी गुरुग्राम
जाने के लिए, वो भी कस्टडी के अंदर लेके जाने का ही था। इस बार सुनने में आया कि 48 घंटे की परमिशन दी गई है, कस्टडी के अंदर लेके जाया जाएगा और कस्टडी के अंदर ही वापस उसको वहाँ उसको रखा जाएगा 48 घंटे के लिए। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है, जो सरकार के साथ जो मिलीभगत का एक जो चल रहा है, खेल चल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। किस तरीके से पहले एक बीमारी का नाटक करके पीजीआई में आता है राम रहीम, जब वो ज़्यादा मामला सिरे चढ़ता दिखाई नहीं देता है, डॉक्टर्स उसके रिपोर्ट उसकी फेवर में नहीं करते हैं, तो उसके बाद साथ के साथ ये छुट्टी के लिए, पैरोल के लिए एक एप्लीकेशन लगाई जाती है। तो इस मामले में देखने वाली बात ये है कि माँ की बीमारी का बहाना बनाया गया, माँ जो कुछ दिन पहले सिरसा में थी उसे स्पेशली गुरुग्राम ले जाया गया, मेदांता हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि उनका इलाज चल रहा है। तो अभी ये सब जो ड्रामेबाजी है कि यहाँ से उसको गुरुग्राम ले जाके और 48 घंटे के लिए जो गुरुग्राम के लिए छुट्टी दी गई है, ये कहीं ना कहीं एक अंदर खाते जो सरकार के साथ मिलीभगत है उसी का खेल, उसी खेल का नतीजा है ये। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को इस तरीके से जो एक VIP ट्रीटमेंट देकर एक कैदी को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने पूरे हरियाणा को जलाकर खाक करने की कोशिश की, जिसके चेलों ने अपने तेवर दिखाए 25 अगस्त 2017 को, सभी ने देखा कि कैसा मंजर था, तो आज सरकार उसके प्रति अगर ऐसी नरमी दिखा रही है तो ये बातें समझ से परे हैं। ये इस तरह की राजनीति क्यों की जा रही है सत्ताधारी दल द्वारा, ये सब पहले भी हालांकि ये चलता रहा है, लेकिन अब इसमें ये एक शीशा जो हुआ सारी दुनिया के सामने, सारे देश के सामने, एक जो समाज सेवा का आडंबर रचा जा रहा था डेरा सच्चा सौदा और गुरमीत राम रहीम द्वारा, वो सभी के सामने शीशा हो गया 25 अगस्त 2017 को कि उनके अंदर असल में क्या है, कैसा शैतान छिपा हुआ है। उसके बावजूद ऐसी घटनाएं जो हैं, सरकार द्वारा इस तरीके की नरमी बरता जाना, ये बहुत बेवकूफ़ी भरा कदम है और हम इसकी सख्ती से इसकी निंदा करते हैं और सरकार के ऐसे कदमों की सख्त निंदा करते हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 48 घंटे की इमरजेंसी पैरोल मिलने पर एक तरफ सवाल उठने लगे हैं तो लेकिन वहीं उनके भक्तों में खुशी की लहर है। राम रहीम को पैरोल मिलने पर देखिए उनके अनुयायियों ने क्या कहा। बहुत ही खुशी का माहौल, बहुत ही खुशी का दिन, पूरे जितने भी प्रेमी हैं, जितने भी सच्चे सौदे के सेवादार हैं, फॉलोअर हैं, सभी पूरे खुश हैं। ये इंडिया में नहीं, देश विदेश जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी खुश हैं जी इस बात के लिए। बिल्कुल मिलेगी, कोई रोकने वाला नहीं है, सतगुरु की रहमत से, श्री राम की कृपा से सब ठीक होगा। तो उससे साने की कब तक उम्मीद है? पूरी उम्मीद है, जैसा भी जल साहब जमानत देंगे तो सिरसा आएंगे गुरु जी। पहले भी आपको पता है गुरु जी की चिट्ठी आई थी, जितने भी सच्चे सौदे के सेवादार सभी लगे हुए हैं, उस दिन से लगे हुए जिस दिन से चिट्ठी आई थी। वैसे तो हमारे गुरुजी ने मालदा ब्रेक कराया, बहुत चलाए हुए हैं, देश विदेशों में भी किया है, इंडिया में नहीं पूरे देश विदेशों में। एक बार बात आपको और बताता हूँ, पूरे प्रेमी भाई जो तो खुश हैं ही, नून प्रेमी भी खुश हैं इस बात के लिए। नून प्रेमी जो प्रेमी नहीं है वो भी चाहते हैं भी ये बिल्कुल सही हुआ है और आगे और से भी बढ़िया सही होगा। पहले चिट्ठी आई थी तो हमने पूरी सेवा की है, हमारे गुरुजी आए हैं, हम उससे भी डबल से भी ज्यादा सेवा करेंगे। पूरा उत्साह है, पूरा जोश है सभी प्रेमियों में, इंडिया में, देश विदेशों में, सभी घरों में, सभी प्रेमियों घरों में खुशी की लहर है, पूरे चेहरे खिले हुए हैं। सभी साथ संगत बहुत खुश है। पूजनीय हजूर विथा संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसान हमारे गुरु 48 घंटे के लिए जो सरकार ने पैरोल दिया उनको, तो सारी साथ संगत में बहुत खुशी की लहर है, सभी बहुत खुश हैं जी। बाकी जैसे आगे कोई सेवा आती है दरबार से या गुरु जी द्वारा जो मानवता भलाई के कार्य आगे बताए जाएंगे तो बढ़ चढ़ कर साथ संगत उसमें भी अपना पूरा सहयोग करेगी। हमें पूरी उम्मीद है, हमारे गुरु जी कानून की पूरी सम्मान और पालना करते हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है सरकार से कि आगे सरकार भी उन्हें मतलब काफी दिनों के लिए आगे अगर हो सके तो जरूर आएंगे सच्चा सौदा सिरसा में। गुरु जी हम सब तो यही चाहते हैं कि गुरु जी जल्दी से जल्दी ज्यादा दिनों के लिए सिरसा सौदा सरसा दरबार में आए और हमें खुशियां बख्शे। हमारी तो यही सतगुरु जी के चरणों में अरदास है, बाकी जब गुरु जी चाहेंगे, जब जैसे चाहेंगे वो उनकी मर्जी है, कैसे किस तरह से जैसे वो सरकार चाहती है
कि कितने दिन की आज्ञा कैसे देंगे, वो उसके बारे में वो ही बताएंगे। सरकार के रवैयों को किस तरह से देखते हैं इस मामले में? देखो जी, हम तो शुरू से ही, हमारे गुरुजी भी कानून को मानने वाले हैं और हमें भी गुरुजी द्वारा यही सिखाया जाता है कि आपने कानून का मान सम्मान करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। वो जैसे सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए जाएंगे और गुरुजी द्वारा जैसे दिशा निर्देश सात संगत को दिए जाएंगे, उनकी आज्ञा का पूरा पूरा पालन किया जाएगा। गुरमीत राम रहीम को साध्वी दुष्कर्म मामले में पंचकुला की अदालत में 25 अगस्त 2017 को पेश किया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए सुनारिया जेल में भेज दिया था। 27 अगस्त को इस मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में ही सीबीआई अदालत लगाई गई, जिसमें राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई। वहीं पत्रकार हत्याकांड में भी राम रहीम को दोषी करार दिया गया था। इस दिन से राम रहीम जेल में सजा काट रहा है। हालांकि कई बार पैरोल के लिए अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन हर बार खारिज हो गई। बीते दिनों भी पैरोल की अर्जी लगाई थी, जिस पर वीरवार रात को मंजूरी देने का फैसला हुआ था, जिसका पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने राम रहीम को इमरजेंसी पैरोल देने का विरोध किया है। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।